गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हमने पार्ट 19 अपनी किताब में पढ़ा था। आज हम पार्ट 19 के कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे। आप सबसे पहले अपनी कॉपी में दिनांक डालिए, उसके बाद आप पार्ट 19 अतिथि सत्कार लिखिए। इसके बाद आप अगली लाइन में कठिन शब्द लिखिए और उसके नीचे अंडरलाइन करें। इसके बाद आप फर्स्ट नंबर डाल के लिखिए सत्कार। पहला है आपका सत्कार, दूसरा है आपके आक्रमण, दूसरा आपको लिखना है आक्रमण। तीसरे में आपको लिखना है चिंतित, तीसरे में आपको लिखना है चिंतित। चौथा है कर्तव्य, फोर्थ में आपको लिखना है कर्तव्य। फिफ्थ में आपको लिखना है संस्कृति। सिक्स्थ है आपके स्वीकार, सिक्स में आपको लिखना है स्वीकार। सेवन्थ है त्याग, सेवन्थ में आपको लिखना है त्याग। एट्थ, एट्थ में आपको लिखना है स्वाधीनता, एट्थ है आपके स्वाधीनता। अब हम इन कठिन शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। सत्कार, आक्रमण, चिंतित, कर्तव्य, संस्कृति, स्वीकार, त्याग और स्वाधीनता। इसके बाद आप अपनी कॉपी का पेज पलटिए। अब आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ डालिए, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। हम शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला है आक्रमण। आक्रमण का अर्थ होता है हमला, आक्रमण का अर्थ है हमला। सेकेंड है लोहा लेना। लोहा लेना का अर्थ है युद्ध करना, युद्ध करना। अगला है सेना। सेना का अर्थ होता है फौज। अगला है अन्न। अन्न का अर्थ है भोजन। फिफ्थ नंबर है अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। अगला है उदास। उदास का अर्थ होता है दुखी, उदास का अर्थ है दुखी। अगला है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज, कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज। अगला है साहस। साहस का अर्थ है
भाग भी। साहस का अर्थ है बहादुरी। अगला है अजीवन। अजीवन का अर्थ है जीवन भर। जीवन भर। अगला है स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वाधीनता का अर्थ है स्वतंत्रता। देखिए इनको हम दोहरा लेते हैं। आक्रमण का अर्थ है हमला। लोहा लेना इसका अर्थ है युद्ध करना। सेना का अर्थ है फौज। अन्न, अन्न का अर्थ है भोजन। अतिथि का अर्थ है मेहमान। उदास का अर्थ है दुखी। कर्तव्य का अर्थ है फर्ज। साहस का अर्थ है बहादुरी। आजीवन का अर्थ है जीवन भर। और स्वाधीनता का अर्थ है स्वतंत्रता। शब्दार्थ और पोटेंशियल अपनी कॉपी में कर लिखिए और इन्हें अच्छे से याद करिए।